पत्र उस तरह से नहीं है, उस पत्र में ये उनके द्वारा मेंशन किया गया था कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स और जो रेस्टिकेटेड स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा सोशल मीडिया पे इस तरह के भ्रामक प्रचार किए जा रहे हैं उनके खिलाफ़ में, और तरह तरह के पोस्ट वायरल किए जा रहे हैं डेरोगेटरी टाइप के उनके, तो इससे उनको ये लगता है कि उनकी सिक्योरिटी जो है थोड़ी सी बढ़ाई जाए। उसी को लेकर के हमने उसी पत्र पे जो है एसपी क्राइम को डायरेक्शंस दिए हैं कि एक बार सिक्योरिटी असेसमेंट कर ले कैंपस के अंदर भी, और उनकी भी सिक्योरिटी का असेसमेंट कर ले, और आज दोपहर तक वो हमको एक रिपोर्ट मिल जाएगी और उसी के हिसाब से उनकी सिक्योरिटी में हमको जो भी बढ़ाना होगा वो हम लोग बढ़ाएंगे उनके और रजिस्ट्रार की सिक्योरिटी में। और उसके अलावा जो एक इंटरनल सिक्योरिटी ऑडिट होनी चाहिए कैंपस के अंदर कि कैंपस के अंदर एसएस कंट्रोल कैसे किया जाएगा, आउटसाइडर्स को जो एंटी सोशल एलिमेंट्स अगर बाहर से आ रहे हैं कोई तो उनको कैसे एक्सेस कंट्रोल किया जाएगा। उसके अलावा जैसे कई जगह से दीवार टूटी हुई है कैंपस की, वहाँ से भी जो है कई बार एंटी सोशल एलिमेंट्स या बाहर के लोग आकर के रहते हैं, हॉस्टल के अंदर भी काफ़ी दिनों तक जो है बाहर के लड़के या जो डिबार्ड लड़के होते हैं वो बैठे रहते हैं, तो हॉस्टल के अंदर भी एक प्रक्रिया बनाई जाए। तो यही सब एक सिक्योरिटी असेसमेंट की भी डिटेल रिपोर्ट हम लोग वीसी साहब को भेजेंगे कि उनको इंटरनली भी अगर क्या 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 किस तरह से वो लोग अपना इंटरनली भी मदद कर सकते हैं हम लोग उनकी। उसके अलावा 13 तारीख को यूनिवर्सिटी भी खुल रही है तो उसके संदर्भ में भी एक बैठक आज शाम को जो है डीएम साहब हमारी और वीसी साहब की और रजिस्ट्रार साहब की और फैकल्टी मेम्बर्स के साथ होनी है आज शाम को। उसमें भी हम लोग आगे का जो खाका है यूनिवर्सिटी खुलेगी तो उसमें किस तरह से शांतिपूर्वक तरीके से यूनिवर्सिटी में माहौल रहे उसको लेकर के हम लोग एक मीटिंग कर रहे हैं। वाइस चांसलर की तरफ से कोई पत्र नहीं लिखा गया? नहीं, वाइस चांसलर की तरफ से एक पत्र आया है जिसमें ये लिखा गया है कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स और जो रेस्टिगेटेड स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा सोशल मीडिया पे इस तरह की भ्रामक पोस्ट उनके खिलाफ़ में डाली जा रही है जिससे उनको क्षति हुई है, और उसको लेकर के वो ये चाह रहे हैं कि उनकी सुरक्षा जो है बढ़ाई जाए। तो वो हम लोग जो है सुरक्षा की एक रिपोर्ट जो है एसपी क्राइम से मांग रहे हैं, और उसके बाद में जो भी हमारे को उसमें लगेगा उस हिसाब से हम लोग उनकी प्रोटेक्शन को अगर अच्छा, बढ़ाना उनके घर है। पर भी पुलिस फोर्स लगाया जाएगा? देखिए, पुलिस फोर्स तो अभी भी लगा हुआ ही है कैंपस के अंदर, जो वीसी लॉन्ज है उसके आगे पुलिस फोर्स लगा हुआ है, जो रजिस्ट्रार का घर है उसके आगे पुलिस फोर्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के आगे पुलिस खड़ी हुई है। तो अभी तो वही शांति नॉर्मल सी बनाए रखने के लिए, जब तक पूरे कैंपस में नॉर्मल सी नहीं हो जाती है तब तक पुलिस का हमने मिनिमम डिप्लॉयमेंट जो है यूनिवर्सिटी कैंपस में किया हुआ है। इस मामले में FIR भी दर्ज है सिक्योरिटी इंचार्ज की तरफ से, उसमें लिखा गया रजिस्ट्रार वीसी के लेकर के धमकी भरे लेटर पोस्टर जगह जगह चस्पा किए गए। हाँ, वो भी हम उसमें भी हम लोग सीसीटीवी फुटेज निकलवा करके दिखवा रहे हैं कि वो पोस्टर्स किसने लगवाए हैं, और इसमें जल्दी हम लोग कार्रवाई भी करेंगे 1 या 2 दिन के अंदर। थैंक यू।